संजीव सर यहाँ पे, संजीव सर संजीव जी यहाँ पे, संजीव जी सामने आए, संजीव सर राइट सर, सर सामने, हाँ जी सर यहाँ पे, सर 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 ये राइट सर, सर सर यहाँ पे, सर पीछे ले, सर सही है, ऑस्ट्रेलिया गया था, वैसे मैं कुछ कुकिंग के लिए प्रिसिशन कुकिंग इक्विपमेंट कुछ खरीद के लिए गया था, उनको सही खा रहा था। उससे पहले हमारा एक दुबई में रेस्टोरेंट है, वहाँ पर शेफ जो है उसको मैं कुछ ट्रेन कर रहा था, तो मैं शेफ्स को बता रहा था कि दोनों तो घर से करीब 20 साल उम्र में छोटे, ये नई टेक्निक्स तुम्हें मुझे सिखानी चाहिए, मैं नहीं सिखाना। तो वो जो ड्राइव जो मैंने कहा कि वो जो पावर होता है इसको ग्लूटेन कहते हैं, उसको या तो मुलायम बनाया जा सकता है या खस्ता बनाया जा सकता है। मुलायम उसमें पानी डाल के गूंदने से मुलायम बनता है, जैसे चपाती में भी वो ग्लूटेन पानी डाल के, जब उसमें घी या मक्खन। सर जी सबसे पहले तो जानना चाहूँगा वंडर कुक के बारे में, क्या है ये वंडर कुक, जरा बताइए। देखिए कॉम्पिटिशन है वंडर कुक, जिसमें जो काफ़ी सारे लोगों में से शॉर्टलिस्ट करके पहले 50 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, उसके बाद में 10 यहाँ पर लाइव खाना बना रहे हैं और उनको फिर प्राइज़ वगैरह। अब कोई भी खाने को जब सेलिब्रेट किया जाता है किसी भी स्किल को तो सबको अच्छा लगता है, तो ये जो पूरा इनिशिएटिव है इस कंपनी का वो यही है कि किस तरह से लोगों में जो कुकिंग घर घर में होती है उसको किस तरह से अच्छे से सब लोगों को जोड़ भी सकती है और उसमें से उनकी जो एक्सीलेंस है वो निकाल सकती है, जो और दूसरों के साथ में फिर शेयर कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि देखिए हमने ये ऐसा पार्टिसिपेट किया। नॉर्मली क्या होता है कि मौके नहीं मिलते हैं घर पे लोगों को, नॉर्मली ऐसी जो चीज़ें होती हैं लगता है कि ये शायद टीवी के लिए बनी है, शायद ऐसा है कि हमारा कहाँ मौका आएगा, हमारा कहाँ नंबर आएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरा इनिशिएटिव है ये लोगों को प्रोत्साहन देने का, और कुकिंग में जब भी कोई कुछ बड़ा और बढ़िया किया जाए तो उसके साथ मैं नहीं हूँ, ऐसा होता नहीं। यहाँ पे जो इतने सारे कंटेस्टेंट हैं उनमें से किसी को मौका मिलेगा कि आपके साथ ट्रेनिंग में जाए या फिर आपके साथ काम करें? पहले अभी तो यहाँ पे काम कर लें फिर देखते हैं। अच्छा इतने सारे कुक्स हैं लेकिन संजीव कपूर का नाम अभी तक ऊपर है, तो क्या वजह है? अभी तक ऊपर है मतलब क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब अभी तक आपको जानते हैं इतने सारे कुक्स आके गए? नहीं, आई एम श्योर कि बहुत बहुत सारे लोग इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, तो मैं तो चाहूँगा कि जितने ज़्यादा और लोग बढ़ सकें, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने शेफ्स हैं उनको इनकरेज करूँ, उनको ट्रेन करता हूँ, मैं इस फील्ड में आने के लिए ट्रेन करता हूँ, इस टीवी पे आने के लिए ट्रेन करता हूँ मैं, और बाकी मैं अपना काम जो है मैं तो उसी सादगी के साथ जैसे शुरू किया था वैसे ही रखा हुआ। मैं लास्टली आपसे जानना चाहूँगा कि खाना बनाने का सिंपल तरीका क्या है? खाना बनाने का सिंपल तरीका यही है कि उससे शुरुआत करें जो बनाना आता है, जो सिंपल जैसा भी आता है, जो सबसे सिंपल चीज़ है जिसमें कोई गलती ना हो, जब एक बार वो आ जाए, जब उसमें महारत हासिल हो जाए फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना शुरू करें। ये मत सोचें कि पहले दिन ही बैटिंग करेंगे और सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे, ऐसे नहीं है।
धीरे धीरे पहले गली क्रिकेट खेलें, फिर उसके बाद में आगे बढ़ें, फिर सचिन तेंदुलकर भी बनेंगे। थैंक यू। When I call you up, these people are dying to take this from you, sir. Chef Sanjeev Kapoor standing beside the question, have you? Pardon? I figured out in 2 minutes, see? Okay, I want to ask you a question, as in, have you ever helped your wife in the kitchen? Have you made anything for her? Okay, I know she's not here, but still I can say, I actually taught her cooking. So as I said, somehow I had a liking from my young days. So I started with doing these little things like idlis, dosas. I actually can cook a very good, Tamil meal for anyone here. It can be a 7-course meal with, payasam to finish with. Seriously. India. Ladies and gentlemen, let's give a thundering round of applause for Chef Sanjeev Kapoor. So, we want to hear it from you, as in, it's a proud moment for us, and make sure that you click a photograph with the 15-year-old, okay, of our... okay, that... Do it now. Okay, so, I thought 160... First of all, good afternoon to everyone. Gopal, happy to be here. I think when you say that life insurance is a boring subject and cooking is fun, I'm very happy. Because when I started, everyone thought that cooking was boring. It was something that was, getting into kitchen was no fun. But now people are celebrating and talking about cooking being fun, which is fantastic. And I'm very happy that I am, in some sense, a little bit responsible for this change in this country. Early life, okay, let me cook something. When I was 2.5 months old, I could cook the Rumali roti. Would everybody want to believe this, that somebody who becomes big in some profession, then right from probably when you are very young, that's exactly what you did. As a young kid, I didn't know who a chef was. My passion was not cooking. I did not get into kitchen. I did not know that this is what I would end up becoming. I had no clue about this profession. So most people, I don't know, when they become famous, I read about them and they exactly knew what they wanted to do when they were probably 2-3 years old. I don't know how that happens. But most normal people, and this is something which I've been doing with kids over the years, even including my daughters when they were young, what they want to be. My daughter, when younger daughter, when she was 7, I remember she saying, I want to become mummy. So these are the kind of responses at times you get. So it is for me to become, I probably
when I was starting to know what I want to do in life, at that time I knew that I wanted to do something which was different, something that was creative. And I actually almost became an architect. So, nothing to do with cooking, but yeah, it's... No, it's good. As a child, his hobby was cooking. His passion was cooking. He's 2 years, मेरे से 2 साल बड़ा है वो. But today, okay, he became a chartered accountant. He's a strategy consultant today. Okay. So as a kid, I think I was a normal kid. Okay, now I'll not be modest. I was a very good student. I was very good in my studies. And you were very naughty. I don't say that, yeah, but my mom says, but it's okay. That's but no, I think I was a normal kid. I was whatever I did well. That was one thing I know. But cooking, no way. I had no clue. So you are a guru to me. Your inspiration. I think inspiration is one thing. For a person like me, when I first got into this, I would say that at that time, male in the kitchen, especially up north, it's not something that easy. Actually, nowhere in India it was cool to have a male in the kitchen. Chalo hato kahan bahar jao, kya kar rahe? But my dad, he was a banker, so he used to cook. My mother is a vegetarian, pure vegetarian. She does not even eat garlic. So very seldom we had something which was non-veg that was cooked in our house. And that was cooked by my dad. So a male person in the kitchen was not something which we are not used to. So my early inspiration to innovative cooking was my dad. But after that, when I started, inspiration comes not from a person. At times it comes from things that you see, things that you smell, things, people that you meet. It could be a corner ready wala person, could be from a top chef, could be from somebody's, like if I were to eat Gopal's food, then he can inspire me with some good food, right? So inspiration can come in from any place, and it continues to come in every single day. Source is not important. So I absorb very well. I see, at times it could be a sunset at Juhu Beach.